सो गाइस, ये गेम के एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे मैं अपने सारे टीममेट खो देता हूँ, ठीक है गाइस। और वो कैसे खोता हूँ, वो मेरी एक गलती होती है, वो देख लेना। Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night. I'm sick of being nothing. All right, I'm gonna be something. All fight with every breath, trust me. वरम निंजा आर्मी, कैसे हो आप लोग? आए हो बच्चों के सारे के सारे। तो गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेके जो कि गेम प्ले के ऊपर है, और एंजॉय करो लड़की के साथ गेम प्ले जो कि रैंडम मिली है। तो देखो गाइस, अब गाइज जैसे ही यहाँ पे उतरता हूँ ना, मेरे को दूर एक बॉट दिख जाता आता हुआ। तो गाइज मैं सोचता हूँ उसको मार लूँ पहले, ठीक है। और गाइज जैसे मैं रूम में घुसता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक कैम मिल जाती है, लेकिन हमारा एक टीममेट पहुँच जाता है कैंप में और वहीं पे उसकी धुनाई हो जाती है। गाइज एक बात बताना भूल गया, ये जो गेम प्ले है ना, मैंने हेडफोन में नहीं खेले क्योंकि मेरे हेडफोन ख़राब हो चुके। बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज भी था मेरे को इस गेम में, बट कोई नहीं, मेरे टीममेट थे तो उनकी वजह से मैं बच गया, ठीक है गाइज। अब देखो, I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. अब गाइस यहाँ पे मैंने एक बंदा नॉक करा था, ठीक है। अब जहाँ पे मैं यहाँ पे जा रहा था, मेरे को पता था एक बंदा आगे है, लेकिन ये नहीं पता था कि लेटा पड़ा है। अब देखो, बिल्कुल एक एचपी छोड़ा भाई, कसम से एक एचपी का छोड़ा इसने मेरे को। भाई इस किल के लिए मेरे को अभी जाके लाइक मारो यार, वीडियो को यार सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या था ना, यहाँ पे एक बंदा था आगे की साइड, ठीक है, और उसके फुटस्टेप्स आ रहे थे मेरे को, बट क्लियर नहीं पता था कि बंदा कहाँ पे है। अगर मेरे पे लीड होती, मेरे को पता चल जाता कि बंदा टेंट के ऊपर चढ़ा पड़ा है। भाई वो कूदा टेंट से और यहाँ पे देखो पेल दिया। लेकिन यहाँ पे मेरी किस्मत बढ़िया थी कि वहाँ पे मेरा एक टीममेट था, उसने इसको फ्री फायर देके मार दिया भाई, वरना ये गेम यहीं पे ख़त्म था, नहीं दिखा पाता, रिकॉर्ड ही करने लायक नहीं था ये अलग गेम। फिर अब जैसे कि हम तीन बंदे बचे थे, तो गाइज मेरे को यहाँ पे लेनी थी गाड़ी, ठीक है। अब गाड़ी तो मिली नहीं, लेकिन इतने में इनके ऊपर हो गया रश, और वहाँ पे वो लौंडिया अलग अकेले, तो गाइज लड़की है तो जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अकेली ने बग्गी में लेके जाना था मेरे को, यहाँ पे मेरे को कोई गाड़ी नहीं मिली इधर रोड पे, तो गाइज मैं चले गया उसके पास, बट इतने में वो उसके पास पहुँच गई। तो गाइज यहाँ पे देखना सीन क्या होता है, वही शुरू वाला एकदम सिचुएशन, वहाँ पे देख लेना क्या दिक्कत थी यहाँ पे, ठीक है ना। और भाई क्या ही बोलूं, इनके अलग ही बातें चल रही थी, क्या पता नहीं रही था ना किसी नाम की, और वो क्या मेरे साथ ही रहेगा भाई। यहाँ पे देखो, अब बग्गी को तो अलग ही गिलेस हो रहे थे भाई, बग्गी ने अलग ही नशे कर रखे थे भाई, मैं ये सोच रहा था बस मर ना जाऊं। इंद्र आराम से, क्या नाम है, सभी आराम से, सभी छोड़ जा। अब भाई इन पे आगे थे बंदे, ये क्या बोला, थोदा, पता नहीं क्या ही बोल रहा था उसको, बोला थोदा भाई साहब, घुसेड़ दे गाड़ी में। अब भाई ये बोला घुसेड़ दे गाड़ी में, भाई क्या घुसेड़ू ये तो बता दे, नहीं लिटरली नहीं भाई, क्या घुसेड़ू ये तो बता।
बुल्ला घुसेड़ दे गाड़ी में, घुसेड़ दे गाड़ी में एक नंबर। ओ भाई यार, मैं जितने घूमा ना उतने में ले गया मेरे को। यहाँ पे दो गाड़ी आ गई, ठीक है, इनकी गाड़ी लेके, इनकी गाड़ी नहीं थी, ये एक अलग टीम थी और एक और अलग टीम की अलग गाड़ी थी, ठीक है। यहाँ पे टोटल चार बंदे थे, एक तो मैंने भी नॉक कर दिया था, एक गिरा तो मैंने ही दिया था उनको, बट वो पता नहीं, एक पता नहीं कब उतर गया उस गाड़ी में से। अरे हाँ, वो ऐसे नहीं बोल रहा मैं, एक बंदा पहले ही उतर गया। अच्छा, ऐसे बोला मैंने, एक बंदा पहले, एक बंदा पहले उतर गया था। तो इनकी बातचीत, इसने किसने कितने मारे, किसने कितने मारे, बट लड़का मान ही लेता है कि भाई, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा। अब देखो यहाँ पे आया ना, मेरा फोन लैग करा हल्का सा, ठीक है, हेडफोन नहीं था लेकिन तब भी मैंने हॉस्पिटल की साइड देखा, बट यहाँ पे देखते ही मेरे को दो बंदे आ रहे थे सामने, तो एक को मैंने एंटे में ले लिया यहाँ पे और दूसरे के लिए मैं यहाँ पे टीपी पी लेने लग गया, लेकिन वो नहीं दिखा, मतलब इसको यहाँ पे से भाग जाता वो साला, अंदर भाग जाता। यहाँ पे मेरा टट्टी स्प्रे, क्या ही बताऊँ। तो गाइस ये अंदर चला जाता, बट वो मैं वेट करता हूँ उसका, वो नहीं आता, कट देता हूँ यहाँ पे वीडियो। गाइस बहुत वेट करने के बाद भी वो नहीं आता, तब यहाँ पे मैं हील विल करता हूँ और वहाँ से मेरे को पीछे से साउंड आता है, ठीक है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे मारने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से टीपी पी लिया और वहाँ पे फाइट चलती होती है अलग ही। देखो एक अलग स्कॉट आई, वहाँ पे दो अलग स्कॉट थी, ठीक है, मैं यहाँ से ऊपर से ले लेता हूँ फायदे उनके मज़े। अब देखो गाइस यहाँ पे पड़े थे दोनों, ठीक है, अब भाई रश करना तो बनता था, ठीक है, दोनों करके भाई रश ना करो तो भाई हम चूतिए ही होंगे जो रश नहीं कर रहे, ठीक है गाइस। ना वो पीछे था बिल्कुल कोने पे, वेयर हाउस पे वो नेड मार रहा था इधर मेरी साइड, बट क्या ही करे भाई, नेड उसके आ नहीं पाया, वो नेड पीछे ही फट गया। वहाँ पे रहना बिल्कुल सेफ नहीं था क्योंकि वहाँ पे जोन नहीं था, मैंने गाड़ी उठाई और यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे मेरे को पड़ रही थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बंदा दिखा, मैंने उसको थोड़ा सा अटैक करा, बिल्कुल एक दो गोली शायद कहाँ पे लगी, बॉडी पे लगी है। अब देखो गाइस मेरे को पता था यहाँ पे मेरे ऊपर रश होगा और सामने भी बंदे थे, वो पता नहीं कैसे आ रहे थे, वो शायद जोन में मर जाएंगे, बट यहाँ पे ये बंदे मेरे पे रश करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम वाइम दे के, यहाँ पे मेरी बिल्कुल M4 की गोलियाँ नहीं थी भाई। अब देखो मेरा इतना अच्छा स्प्रे नहीं है जो मैं 3x लगा के उससे मारूं M7 से या AKM से, ठीक है। देखो अगर M4 होगी तो भाई स्प्रे देना बनता है, ठीक है। अब मेरे में इतनी चुल थी भाई, 43 गोलियाँ थी इसमें टोटल। मैं थोड़ा यहाँ से टीपी वीपी भी लेता हूँ, लेकिन मेरे को बंदा दिखता है यहाँ पे, मैं थोड़ा फायर करता हूँ, उसको दो गोलियाँ लगती है गिनती की,
फिर मैं क्या ही, जैसी गाड़ी में बैठता हूँ वैसी मेरे को पड़ती है एक, बड़ी जोर से पड़ती है, बॉडी हाफ आउट से कम हो जाती है। और गाइज यहाँ पे जो मैं रिच पे गिरता हूँ ना भाई, कसम से अगर आगे गिरता ना मेरे पड़ती, और यहाँ पे मेरे को दिख गया कि बंदा मेरे पे रश कर रहा है। अब मैंने गलती ये कर दी, यहाँ पे मैंने हील मारा भाई, इसको मेरे को पेलना चाहिए था लेफ्ट साइड, इसको वहीं पे डाउन करना चाहिए था, मेरी गलती बस यही थी। और गाइज यहाँ पे मेरा चिकन डिनर रह गया, ठीक है गाइज। अब गाइज ज़रूरी नहीं है मैं सारे के सारे चिकन डिनर वाले ही पोस्ट करूँ। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया, क्लच पसंद आया कोई सा, तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि लास्ट वीडियो पे कुछ व्यू नहीं आए थे, और होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि आगे की कोई वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक डाल दूँ। तो गाइज तब तक के लिए बने रहिएगा।